जयपुर नगर निगम के परिसीमन के बाद वार्ड नंबर 6 अब वार्ड नंबर 10 बन गया है। वार्ड के वर्तमान पार्षद कौशल किशोर के खिलाफ लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना था कि आधारभूत सुविधाओं के अलावा यहाँ पर सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं का भी अभाव देखा जाता है। मेन रोड पर सड़कों का निर्माण करने के बाद भी गलियों के अंदर सड़कें तक नहीं है। वार्ड के अधिकतर कॉलोनियां केवल सोसाइटी के पट्टों पर आधारित है, अभी तक JDA के पट्टे भी नहीं मिल पाए हैं। विद्याधर नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 10 में केवल पानी की समस्या को लेकर ही नहीं, काफी समस्या को लेकर भी यहां पे स्थिति बरकरार है। वार्ड की जनता केवल बोरिंग और ट्यूबवेल के सहारे ही अपना जीवन गुजार रही है। आपके वार्ड में मूलभूत सुविधाएं हैं, क्या क्या कमी दिख रही है? कमी कुछ तो काफी समस्या से संघर्ष चल रहा है कि सिविल लाइन का और आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके लिए जो हमारे पार्षद हैं श्री कौशल जी, उनसे भी काफ़ी रिक्वेस्ट की गई, उनके बाद निवेदन किया गया और वार्ड के अध्यक्षों के साथ में उनके पास कई बार गए निवेदन लेके, उनसे निरीक्षण करवाया गया, लेकिन सिर्फ खाली एक प्रोत्साहन दिया गया कि जल्दी जल्दी हम इस समस्या का निवारण करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं। आपने लिखित में शिकायत अगर आगे तक पहुंचाई है तो? हमने लिखित में भी किया है, हमने जो हमारे जो MLA हैं नरपत सिंह जी, उनके पास भी हम लेके गए समस्या को, लेकिन आज तक कोई ना पार्षद ने ध्यान दिया ना हमारे MLA साहब ने ध्यान दिया। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? मेरे वार्ड में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ देव बाबा की डाणी के अंदर, और ना तो सीवर लाइन है, ना वहाँ पानी की व्यवस्था है और ना वहाँ पर लाइट की व्यवस्था है। बात करें आपने नगर निगम वगैरह में पार्षद से कुछ शिकायत वगैरह की कभी? हाँ जी सर, लेटर पेपर में मैंने 3-4 बार लिख के कौशल जी को 3-4 बार दे चुका हूँ और कौशल जी को कॉल भी कर चुका हूँ और मेरे फोन उठाने चाहिए, तैयार नहीं होते। मतलब आपके एरिया में कोई विकास कार्य नहीं है? नहीं सर, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सेवा लाने के लिए मुझे दिलासा दिया जा रहा है और पानी के लिए दिलासा दिया जा रहा है, ना बोरिंग टिकवा रहे हैं। और मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराओ वो कराओ, बाहर समस्या के लिए कोई भी साधन नहीं करते मेरे लिए। अगर वार्ड में काई काई कमी है? वार्ड में तो कमी कई चलती है, जैसे कोई पानी की, कोई क्या की, सड़का की, कई समस्या डाल रहा है। पार्षद में शिकायत होगा तो चार फिर कोई सुनाई नहीं चलता है, कोई नया बने, कोई ढंग को बने देना तो काम भी आओ, कोई कोई ढंग को बढ़िया आदमी बन जाए तो छुकाए कराओ, बिल्कुल अच्छा काम है। मतलब आपका पार्षद आपकी सुनाई नहीं करता? हाँ कोई सुनाई को नहीं करे। आपका नाम? विनोद कुमार। ये क्या समस्या आगे बारे में? क्या रास्ता की कमी आ रही है, रास्ता सही नहीं है, बुढ़ा है, मोटरसाइकिल ले जाने परेशान हो जाते हैं। पार्षद वगैरह से निगम में शिकायत की? कुछ भी नहीं की, अभी कोई कह नहीं कर रहा। नहीं शिकायत करते तो क्या कहा जाता है? करेंगे करेंगे, मतलब काम करने के लिए आज होता जैसे। हाँ ये मुद्दे ऐसा, पानी, बिजली, सीवर, रोडे, लाइटें, कॉलोनी में तो नगर निगम की जो भी सुविधा बनती है उसका ही मुद्दा रहेगा। अगर वार्डवासियों को इसकी सुविधा मिलेगी तो वो भी खुश रहेंगे, रहने वाले पार्षद भी खुश रहेगा। भाजपा के पार्षद उनके खिलाफ शिकायतें भी लेकर जा रही है, लोग बता रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, आप क्या कहेंगे? ये वो जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बात है कि भाजपा का बोर्ड बना हुआ था, उसके बावजूद भी हमारे वार्ड में ये समस्या बरकरार रही, आज भी है, कोई ठीक नहीं। बिल्कुल नहीं, देखो हमारी कांग्रेस की सरकार है तो अभी मुख्यमंत्री भी हमारा है, मंत्री जी भी हमारे होंगे और कांग्रेस का पार्षद भी हमारा रहेगा, तो ये भाईना नहीं चलेगा कि सर सरकार नहीं है हमारे से काम नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं बनेगी। और काम करने वाला आदमी चाहिए, काम करने वाला पार्षद चाहिए, काम करेगा तो उसकी वाई वाई होगी और वार्डवासी भी बहुत धन्यवाद देंगे, इसीलिए तो वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या? मेरे वार्ड में सबसे ज्यादा समस्या इस वक्त पानी की है, तो अपना जो प्रथम जो प्रयास होगा वो पानी का होगा कि बिसलपुर को कॉलोनियों तक कैसे जोड़ा जाए, ठीक है, और उसके बाद में अपना सिविल लाइन, रोडें और कॉलोनियों का नियमन। और हमने हमारे प्रयास से कई बोरिंग करवाए हैं और उनमें अधिकतर में हमें सफलता मिली है, अधिक से अधिक बोरिंगों में सफलता मिली है और बढ़िया पानी हुआ है, जनता का विश्वास हमारे ऊपर बिल्कुल बरकरार है और अग्रसर है कि सर आप जो ये जो OBC सीट आई है वार्ड नंबर 10 से, इसके लिए उन्होंने ये बोला है कि आप आगे जाके संघर्ष करो,
टिकट लाओ। क्षेत्र में एक तो सफाई की समस्या और रोड की समस्या बहुत ज्यादा है, जो गड्ढे वगैरह हो रहे हैं, बिल्कुल तो इनको किस प्रकार से देखेंगे? सर इनको हम इस प्रकार से देखना चाहेंगे कि सफाई की जो समस्या है वो सुचारू रूप से होए, और खड्डों की बात रही, खड्डों की बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा कॉलोनियों में जो मेन रोड हैं उनको हम सीसी रोड से जोड़ना चाहेंगे, और जो कॉलोनियों की बीच की जो रोडें हैं उनको हम डामरीकरण करके उनको सुचारू रूप से सही कर दिया जाएगा। हमारे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 10 और आसपास के वार्डों में, एक तो हमारा इस विधानसभा का काफी एरिया ग्रामीण इलाके से लगता हुआ है, तो काफी कॉलोनियां अनडेवलप है, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, रेगुलाइज नहीं होने की वजह से उनमें ना तो JDA पैसा लगा रहा है और ना निगम पैसा लगा रहा है। आज ये जरूर है कि हमारे यहाँ पर BJP का जब बोर्ड था निगम में, उस टाइम पे कोई विशेष पैसा नहीं लगा, लेकिन जब से महापौर विष्णु लाठा जी बने हैं और हमारे कांग्रेसी पार्षदों को और निर्दलीय पार्षदों को थोड़ी प्राथमिकता मिली है, तब से आज भले पोल पर लाइटें लगने का मामला हो, रोडों के डामरीकरण का मामला हो या सीवरेज का मामला हो, जो गति आज 4-6 महीनों में पकड़ी है, अगर वही रफ्तार इन 5 साल में रहती तो हमारा एरिया पूर्ण रूप से विकसित और डेवलप हो जाता। लेकिन आज भी हमारे इस एरिया के अंदर, हमारे वार्ड के अंदर काफ़ी रोडें ऐसी है जहाँ पे ना डामर रोड है, ना सीवरेज है, ना पोलों पे लाइटें लगी हुई है। यह है कि निरंतर प्रयास चल रहे हैं कि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, और ये प्रयास ही अभी, जैसे राजस्थान सरकार अगर कुछ ऐसी घोषणा करती है, जैसा कि हमें सुनाई भी पड़ा है कि कुछ समय में नियमन शिविर भी चालू होंगे, और ये नियमन की देन भी कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की देन थी कि जिस समय नियमन कैंप चलाए गए। पेयजल की सबसे विकट समस्या हमारे जयपुर में बन रही है, ये तो कुछ गनीमत है कि जीसलपुर डैम ओवरफ्लो हो गया तो उससे कुछ समय के लिए हमें राहत मिली है, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से पूरा जयपुर इससे जुड़ा हुआ नहीं है। आज बोरिंग पास कराते हैं हमारे माननीय सीताराम अग्रवाल जी, जो हमारे विद्याधर नगर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे, उन्होंने आज कम से कम 130-140 के समथिंग बोरिंग यहाँ नए करवाए हैं, लेकिन आज ये है कि कुछ बोरिंगों में पानी नहीं हुआ और जिन बोरिंगों में पानी हुआ वो भी कम है, लेकिन ये बोरिंग कोई स्थायी समाधान नहीं है। तो हमारा जो एरिया है इसको बीसलपुर लाइन से ये पूरा एरिया जुड़े, यहाँ हर इलाके में 1-8 किलोमीटर के दायरे में पानी की बड़ी टंकियां बने, जिससे समुचित पानी की समस्या का निदान हो सके, नहीं तो ये बोरिंगों का कोई स्थायी समाधान नहीं है।